अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खंडवा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर जय हिंद डिफेंस ग्रुप के सोल्जर्स ने योग किया। अध्यक्ष प्रभु मसानी ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में आज सुबह 6 बजे से योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जय हिंद ग्रुप के सभी साथियों ने योग किया। योग से कई रोग नहीं होते और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए। आज के दिन कोरोना टीकाकरण का महाअभियान है, सभी से वैक्सीनेशन कराने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर संचालक अनिल पाटिल, अमरजीत कुमार, सचिन, कृष्णा, संदीप, राजकुमार, प्रीति, मोनिका, वैशाली, बबिता, नम्रता, अंजू सहित 70 सोल्जर्स ने योग किया। आज हमारे योगा दिवस के ऊपर यहाँ पर योगाभ्यास करवाया गया। जो हमारे ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं, जो प्रशिक्षण काफ़ी समय से ले रहे हैं, इनको आज योगा के बारे में, उसके लाभ और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में आज बताया गया और साथ ही इन्हें योग प्रशिक्षण दिया गया। इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे ये जीवन का अहम पहलू होता है जिसमें आपको हर समय योगा करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप घर में बैठे योगा नहीं कर सकते। घर में बैठे हैं तो आप अपना योगा वहाँ पर भी बैठने वाली पोजिशन में योगा कर सकते हैं। आपका परिचय? मैं जय हिंद डिफेंस ग्रुप संचालक एवं ट्रेनर अनिल कुमार पाटिल। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जय हिंद ट्रेनिंग ग्रुप के सभी सोल्जर्स ने आज योग किया। प्रतिदिन की फिजिकल तैयारी के साथ साथ आज हमने योग के माध्यम से सीखा कि योग के क्या क्या लाभ है, योग से हम कैसे रोगों से दूर रह सकते हैं और अपने आप के शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया गया। साथ ही आज मैं आह्वान करना चाहूँगा, जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है, सभी युवाओं को वैक्सीनेशन लगवाना है, वैक्सीनेशन करवाना है। और जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप की ओर से निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है स्टेडियम पर, प्रतिदिन नियमित हो चुका है। तो सभी सोल्जर्स से निवेदन है कि स्टेडियम पर भी आए और योग सीखे। सभी भारतवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।